जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी सोसाइटी में शाम को है माता की चौकी। सुबह तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, लेकिन अब अच्छी धूप आ गई है तो तैयारियां चल रही हैं माता की चौकी की। और मैं थोड़ा घूमने आई हूँ यहाँ पार्क में। ये पंडाल सज चुका है माता की चौकी के लिए, 6 बजे से शुरू है, फिर भंडारा भी है, शाम का खाना यहीं है। ये देखिए कितना सुंदर सजा दिया है, और तैयारियां अभी भी चल रही है। अभी हम थोड़ा घूम लेते हैं और फिर माता की चौकी अटेंड करेंगे हम। ये देखो, और ये मेरी दीदी पहले आ गई थी। और हम अभी एक राउंड अपनी सोसाइटी का लगाते हैं, उस तरफ भी देख के आते हैं। सामने भी टेंट वेंट लगा हुआ है तो वो भी हम और हम एक राउंड लगा के आते हैं उस तरफ, जो ये सोसाइटी है उसके परली पार क्लब है, जहाँ लोहड़ी का प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ तक हम देख के आते हैं कि क्या कुछ कर रखा है। गेट वेट बड़े सुंदर सजा रखे हैं। ये पोस्टर तो बहुत टाइम पहले ही लगा दिए थे। नमस्ते भैया। और ये है एक गली सुनसान, यहाँ दो फ्लैटों के बीच में। और यह है सोसाइटी का है दूसरा पार्क, इस तरफ फ्लैट हैं, हम विल्ला में रहते हैं, इस तरफ भी फ्लैट हैं, और इस तरफ लंबे ऊंचे कई मंजिल फ्लैट हैं। तो ये आ गया है दूसरा पार्क। इस पार्क से होते हुए हम क्लब की तरफ जाएंगे। ओ देखो क्या क्या लटक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। लड़ियां सी ये देखो। और सब ने अपने अपने घर बहुत सुंदर सजा रखे हैं, गमले हर घर में लगे हुए हैं। ये देखिए सामने भी पार्क भी बहुत सुंदर है। और इन पेड़ों में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। ये रात को शायद यहीं रहती है, सिर्फ आवाज आ रही है, दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बहुत गहरे प्लांट है ये। ये देखो कुछ गिरा रही है, ये बीट बीट गिरा रही है सभी। ये इस तरह के खजूर जैसे पेड़ लगे हुए हैं, रिन में ये रात को बसेरा करती हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। अब हम आ गए हमारी सोसाइटी के पीछे वाले पार्क में। तो ये गुलमोहर के फूल खिले हुए हैं, यहाँ गुलमोहर के पौधे हैं कुछ। ये देखिए बहुत सुंदर लाल फूल खिले हुए हैं। और यहाँ ये झंडा फहराया है इस पार्क में, ये झंडा फहराया होगा सुबह। गमले गुमले लगा रखे हैं, सुबह का हमारी तरफ अलग था, इधर अलग है। ये भी काफ़ी बड़ा पार्क है लास्ट तक, और धूप अच्छी खिली हुई है, लोग घूम रहे हैं और फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए पूरा सोसाइटी का चक्कर लगा के आ गए हैं वापस। एक दो रील वील हमने बनाई बड़ी अच्छी, और अभी जा रहे हैं घर और देख लेते हैं बेबी को। हमें कई सारे गेट पार करके जाना होगा घर, और उधर माता की चौकी का प्रोग्राम भी शायद शुरू हो चुका है, आवाजें आ रही होंगी। जय। हम गए थे तब कुछ और नज़ारा था, अब थोड़ा और नज़ारा हो गया। टेबल वहाँ तक सज चुकी हैं और सामान आए जा रहा है अभी, और हम भी आ चुके हैं घर। माँ का जागरण शुरू हो गया है, और सीधा चलते हैं हम वहाँ जहाँ माता के भजन गाए जा रहे हैं, और आपको सुनाते हैं भजन। तो चलिए चलते हैं, बहुत सुंदर सजावट कर रखी है। जय माता दी। ये देखिए यहाँ हम माथा टेक लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं। अभी तैयारियां शुरू हो रही है, जो पर्सनल पूजा जिसने करवानी हो वो पर्सनल पूजा हो रही है। और अभी माइक वाइक टेस्ट हो रहे हैं, गाने बजाने वाले आ रहे हैं। माँ चंडिया वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। मेरा हेलो हेलो आसरा मेरा दवारा तेरा आसरा मेरा हो जिंदड़ी रा पई तक दिए
वालनिए माये उजाला मां करो मेटो चंद सुने की रोशनी चमके चमने झंडे जा रहे हैं, झंडे आएंगे मिशन के पास। सच में टेंशन वाली है, भेज दई मना सारी। थोड़े थोड़े सारे आगे आगे ना बंडो ना, थोड़े पीछे ही बंडो जाके। और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है जी, जन्नत है। क्योंकि महारानी ने हाथ दिया, इसी को झंडा बना दो। बोल सच्चे दरबार की। एक तू सच्ची सरकार मां झंडिया वाली, सेवकों ने मंदिर को जोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा। आए भगवादारी है मंदिर की तैयारी है, आए भगवादारी है मंदिर की तैयारी है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, तुमको बुला रहा है लास्ट स्टेज पे है। और अभी बस खाना वाना खाने जा रहे हैं लोग, हम भी जा रहे हैं। सबने मजे से खाना खाया और फिर अपने घर की तरफ चलेंगे। प्रसाद में पट्ठे की सब्जी, छोला भी और रायता और हलवा, बहुत ही टेस्टी प्रसाद। और अभी बस भंडारा चल रहा है, लोग आ रहे हैं। और ये हैं जिनसे चला नहीं जाता उनके लिए व्हीकल, तो वहाँ से यहाँ आए हैं ये इस पे बैठ के। और हम चलते हैं अब घर, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हमें इसमें लग गया है। तकरीबन 8 बजे आए थे और 10 बज गए हैं, तो ब्लॉग करते हैं ये एंड। और सुबह फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।